Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today we are going to discuss about the MCQs based on chapter number three that is electrochemistry and our subtopic is conductance of electrolytic solutions. And before starting this topic, we will write some important formulas for this topic. विच विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द नोमरिकल्स एंड द फर्स्ट फार्मूला इज अबाउट रेजिस्टेंस एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज ऑब्सट्रैक्शन टू फ्लो ऑफ करंट विच इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए यहाँ पे जो रो आती है बच्चे इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम सीधा इसको रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं और बच्चे रेजिस्टेंस के यूनिट आते हैं ओम ओके एंड व्हाट अबाउट दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस उसको बच्चे हम बोल देते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के यूनिट बच्चे पर ओम भी होते हैं इसके यूनिट सीमेन भी होते हैं और इसके यूनिट बच्चे मोहो भी होते हैं ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास फार्मूला आएगा स्पेसिफिक uh, रेजिस्टेंस का और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बच्चे हम कैसे लिखेंगे आर इंटू ए अपॉन एल ठीक है अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो बच्चे रो विल बी इक्वल टू तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर जहाँ पे इसकी लेंथ जो है वन सेंटीमीटर हो जाएगी और बच्चों इसका एरिया जो है वो वन सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा फाइन और अगर हमने इसके यूनिट की बात करनी है तो बच्चे यूनिट इसके आएंगे रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं और एरिया के यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेंटीमीटर लेंथ का कट जाएगा और हमारे पास जो फार्मूला आएगा यूनिट का वो आएगा ओम सेंटीमीटर ठीक है तो ओम ओम सेंटीमीटर में हम रेजिस्टिविटी को मेयर करते हैं और बच्चे रेजिस्टिविटी रिज, का रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी और इसका फार्मूला होता है कापा इज इक्वल टू वन अपॉन रो ठीक है अब वन अपॉन रो को अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे ये आएगा जी इन टू जी का मतलब यहाँ पे कंडक्टेंस आ गया और यहाँ पे आ जाएगी टर्म एल अपॉन ए ठीक है सो बच्चों जी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस ठीक है और बच्चे एल अपॉन ए ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको बोलते हैं बच्चे सेल कॉन्सटेंट सो so, बच्चे सेल कांस्टेंट जिसको हम जी स्टार के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं डैट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी कापा अपॉन कंडक्टेंस मतलब के जी ठीक है ये आप लोगों ने फार्मूला जो है याद रखना है ठीक है जी और कंडक्टिविटी के यूनिट बच्चे क्या आएंगे देखो कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं पर ओम और जो आपके पास यहाँ पे एलोपोन है से बच्चे आपको मिलेगा पर सेंटीमीटर ठीक है ओम ओम पर उम पर सेंटीमीटर या फिर सीमैन पर सेंटीमीटर ये दोनों में से कोई भी यूनिट यहाँ पे हो सकते हैं ठीक है इन सभी फार्मूलों को पहले आप अपनी कॉपीज पे लिखो उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस जिसको हम लैमडा एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चे ये होती है कापा इन टू थाउजेंड डिवाइड बाई मुलेरिटी ठीक है मतलब ये क्या होती है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट तो बच्चों इसके अगर आपने यूनिट की बात करनी है तो कापा की यूनिट तो अभी हमने करे हैं वो किसके इक्वल थे सीमेंट पर सेंटीमीटर के यहाँ पे जो थाउजेंड हम आ रही है इसको बच्चे हम ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर और मुलेरिटी हमें सभी को पता है कि मुलारिटी होती है मोल पर लीटर पर लीटर के साथ ये पर लीटर कैंसिल कर देंगे तो इसके यूनिट आ जाएंगे सीमेन पर सेंटीमी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ठीक है तो ये यूनिट आते हैं बच्चे मोलर कंडक्टेंस के और मोलर कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तीनों की बात कर लेते हैं अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो डाइल्यूशन के साथ बच्चे डाइल्यूशन डाइल्यूशन का मतलब है हमने कंसनट्रेशन को कम कर देना है डाइल्यूशन से बच्चे कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आयोन्स जो हैं वो वहाँ पर बनेंगे अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें मतलब कि कापा की बात करें बच्चे डाइल्यूशन से ये कम होती है बिकॉज इसमें बच्चे जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाते हैं ठीक है जी उसके बाद बच्चे अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस में बच्चे जो टर्म आ रही है वो देखो कापा इन टू यहाँ पे मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टर्म जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही है इसका मतलब यहाँ पे कापा भी है कापा जो डिक्रीज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम का इंपैक्ट जो है ज़्यादा होता है इसकी वजह से बच्चे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है ये

पे क्या लेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन ठीक है वन नॉर्मल सोल्यूशन फाइन सो ये थे बच्चे फार्मूले अब हमने करने हैं सो so बच्चे सबसे पहले जो एमसी uh, क्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है दैट इज मटैली कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन ये बच्चे नंबर ऑफ नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक है जैसी नेचर होगी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उसके ऊपर भी डिपेंड करना है और टेम्पेचर के ऊपर

टेंस जो है दैट डिपेंड अपॉन दी किसके ऊपर डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेशन ऑफ आयोन्स बोथ ऑफ दी और नन ऑफ दीज और बच्चों इसका आंसर जो है बोथ ऑफ दी अब ये आएगा ठीक है उसके बाद बच्चे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूशन डिपेंड अपॉन दी किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कंडक्टिविटी जो है डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पावर ऑफ़ ए सी और ऑल दी अब तो बच्चे इसका आंसर जो है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आएगा मतलब डायल्यूशन के साथ आपको पता है कंडक्टिविटी जो है वो क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है बिकॉज नंबर ऑफ आयोन्स पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीज कर जाते हैं फाइन सो so बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये एसआई SI यूनिट बच्चे इसके आएंगे सीमेन पर मीटर अभी हमने डिस्कस किया था ठीक है उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट यहाँ पे बच्चे कापा की वैल्यू दी हुई है कापा क्या होती है कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बच्चे ये होता है रेसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसको हम कैसे लिखेंगे वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए ठीक है वन अपॉन आर जो है ये होता क्या है कंडक्टेंस के इक्वल कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट तो रिलेशन हमारे पास सी ऑप्शन इसकी आ रही है उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है ठीक है तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे बच्चे लेमडा है लेमडा इसको कंसिडर करना है हमने दिस इज लेमडा लेमडा लैमडा लैमडा लेमडा 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 ठीक है सो so बच्चों हमने निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब के मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ठीक है यहाँ पे हमने कॉर्लॉस लॉ बच्चे अप्लाई करना है और कॉर्लॉस लॉ के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल आयंस जो है वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं टूवर्ड्स दी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एन ए सी एल है ठीक है तो इन दोनों की अगर आप देखो अमोनियम क्लोराइड को आप ऐड कर दो एन ए ओ एच में ठीक है तो इसको आप एन ए सी एल की मोलर कंडक्टेंस से माइनस कर दो तो यहाँ पे एन ए भी खत्म हो जाएगा और सी एल भी दोनों ही खत्म हो जाएंगे और रे कौन सा जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ऑप्शन इसकी बच्चे डी आ रही है राइट आंसर ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है वट इज द एप्लीकेशन ऑफ वट आर दी एप्लीकेशन ऑफ कॉलोश लॉ बच्चे कॉलोश लॉ से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस जो जिसको हम एम नॉट बोलते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसके साथ ही बच्चे हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट जिसको हम के लिखते हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसकी जो ऑप्शन डी आ रही है ऑल दी अब यही इसका आंसर आएगा ठीक है उसके बाद बच्चे मोलर कंडक्टेंस के यूनिट पूछे हैं तो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला अभी हमने किया था कापा इन टू थाउजेंड डिवाइड बाय यहाँ पे क्या था मोलैरिटी ठीक है और बच्चे मोलैरिटी जो है वो होती है मोल पर लीटर तो हमने यहाँ पे क्या किया था सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऐसे लिख लिया था तो पर लीटर के साथ ये पर लीटर कैंसिल हो जाएगा और बच्चों जो सीमेंट सेंटीमीटर स्केयर यहाँ पे पर मूल आ रहा है जो कि सी ऑप्शन है ठीक है उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन ई सेल का है मतलब ई एम एफ हम वोल्ट में मेयर करते हैं तो इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा बाकी इसके जो एम सी क्यूज हैं वो हमने नेक्स्ट वीडियो में करने हैं ठीक है थीके?